नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर जो समीक्षा बैठक की गई उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि इस रेल लाइन परियोजना की समीक्षा बैठक हुई है। रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी जी ने समीक्षा बैठक ली है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संभाग के जिन जिलों में रेलवे लाइन निकालना प्रस्तावित है वहां पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तुरंत की जाए, अधिकृत की गई भूमि का मुआवजा वितरण तुरंत कराएं। निर्देश दिए कि रेलवे परियोजना के अधिकारी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए कलेक्टर द्वारा आयोजित TL बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में DIG, रीवा कलेक्टर, सतना कलेक्टर, सीधी कलेक्टर, सीधी SP एवं रेलवे के मुख्य अभियंता निर्माण, मुख्य अभियंता अतिरिक्त, DRM, ASC, इनके अलावा सिंगरौली के जो माननीय कलेक्टर हैं और सिंगरौली के जो माननीय SP हैं वो भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। आपको बताते चलें कि कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए कि रीवा जिले में रीवा से गोविंदगढ़ रेलवे लाइन के लिए 20 किलोमीटर भूमि अधिग्रहित की गई। अधिग्रहित जमीन में शेष 1038 हितग्राहियों को रेलवे द्वारा मुआवजे के लिए जमा 5 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग करें। प्रत्येक भूस्वामी को 5 लाख रुपए के मान से 1 सप्ताह में मुआवजा वितरित करें। बताया गया कि मुआवजा राशि के लिए रेलवे को मांग पत्र दिया जाए, अगर राशि घटती है तो मांग पत्र रेलवे को दिया जाए और राशि उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि रीवा से गोविंदगढ़ तक 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। 3 किलोमीटर टनल का काम पूर्ण हो गया है क्योंकि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के बाद चुईयाघाटी रेलवे टनल है जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। बताया गया कि गोविंदगढ़ से टनल का निर्माण होने के पश्चात 9 किलोमीटर तक रेल लाइन डाली जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि रेल लाइन डाली जा रही है लेकिन किसानों के द्वारा तो काम रुकवा दिया गया है, तो रेल लाइन कैसे डाली जा रही है? तो ठीक है, हम भी जाके एक दिन देखते हैं कहाँ रेल लाइन डाली जा रही है, आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। आपको बताते चले इस बैठक में सीधी जिले के माननीय कलेक्टर ने बताया कि जिले के 114 ग्रामों में धारा 11 प्रकाशित की जा चुकी है, 30 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि छूट गई है, उसका अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि चुरहट एवं रामपुर नेकिंग के 8 गाँव में अवार्ड पारित किया जा चुका है, 12 गाँव में धारा 11 पारित करना है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि 20 मई तक धारा 11 पारित करें। गोपत, बनास और सीधी से बहरी तक के 7 गाँव में धारा 11 पारित करें। यह कार्य 10 जून तक पूर्ण कर लिया जाए। जहां भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो पूर्ण कर लिया गया है वहां धारा 11 की आवश्यकता नहीं है, वहां तत्काल कार्य प्रारंभ करें जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो। बैठक में बताया गया कि चुरहट के 47 गाँव में से 18 गाँव में अवार्ड पारित कर मुआवजा वितरित कर दिया गया है। बगवार में 1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। जिले के 4 गाँव में 97 में भू अर्जन कर लिया गया है लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। बगवार एवं रामपुर में संयुक्त रूप से सर्वे किया जा रहा है। निर्देश दिए हैं कि गोपत बनास से प्रस्तावित टनल 2 में 4 मकान है, उन्हें 20 मई के पहले हटा दिया जाए ताकि तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सके। इनके अलावा सतना से पन्ना में प्रस्तावित रेल लाइन में 8 गाँव में भू अर्जन करने का प्रस्ताव धारा 11 पारित करने के लिए दिया गया। 2 गाँव में धारा 19 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। नागौद में अधिग्रहित की गई भूमि का 7 करोड़ रुपए मुआवजा राशि का वितरण 20 मई के पहले किया जाए। सीधी जिले में भूमि नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। इनके अलावा सिंगरौली जिले के 20 गाँव में से 14 गाँव में अवार्ड पारित किया जा चुका है, शेष गाँव का भी अवार्ड पारित किया जाए। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिन गाँव में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पारित किए गए हैं उन्हें 20 मई तक धारा 11 की कार्यवाही शीघ्र करें, जिसमें अवार्ड पारित नहीं हो पाए उन्हें अवार्ड पारित किया जाए। 4 गाँव के 49 हेक्टेयर धारा 11 का प्रकाशन कर दिया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। इनके अलावा ये भी बताया गया कि सिंगरौली जिले में शेष 67 करोड़ रुपये का मुआवजा 10 जून तक वितरित किया जाए। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई शासकीय भूमि का शासकीय अभिलेखों में इंद्राज करें। रीवा सीधी रेलवे लाइन के बीच पड़ने वाले हाई ट्रांसमिशन लाइन को हटाने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन दें। ये सब बात तो मीटिंग में की गई लेकिन इस बैठक में नौकरी से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई और किसान इसी आस में थे कि जो बैठक ली जा रही है इस बैठक में नौकरी से संबंधित कोई बात हो सके, कोई विकल्प निकल सके। आपको बताते चलें कि नौकरी की
बात क्यों नहीं हुई इस बैठक में, नौकरी का मुद्दा इसलिए नहीं उठा क्योंकि रेलवे ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि वो अब किसानों को नौकरी नहीं देंगे। किसानों को भी पता है कि रेलवे ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि वो नौकरी नहीं देंगे। इसी वजह से किसानों ने आज यानी कि 9 मई 2030 को रीवा के जो माननीय कमिश्नर हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। ये जो ज्ञापन दिया गया वो ज्ञापन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से दिया गया, जिसमें बताया गया कि रीवा सीधी सिंगरौली यानी कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसके बदले रेलवे विभाग द्वारा मुआवजे के साथ नियुक्ति देने का कानून बनाया गया था, उसी नियम के आधार के तहत भूमि अधिग्रहण द्वारा फॉर्म भरा गया और रेलवे विभाग द्वारा सूची जारी की गई। उसमें सर्कुलर क्रमांक 172 से 1605 तक कुछ को नियुक्ति देने के बाद 1606 से 1926 तक की नियुक्ति की कार्यवाही लंबित रह गई, जबकि किसानों के जमीन रेलवे विभाग द्वारा 11 नवंबर 2019 के आदेश के पहले भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। माननीय अनुविभाग अधिकारी महोदय द्वारा 5 लाख की राशि किसानों को देने की बात कही गई, वह समस्त किसान नहीं लेना चाहते। यदि किसान के बिना किसी जानकारी के खाते में किसी तरह की राशि डाली जाती है तो वो मान्य नहीं होगी। वे रेलवे विभाग द्वारा 5 वर्ष से नौकरी न देने के बदले जीवन व्यापन गुजारा भत्ता मान लिया जाएगा, जिसके लिए शासन प्रशासन व रेल शासन जवाबदार होगा, क्योंकि समस्त किसान अपनी इच्छा से कोई राशि नहीं लेना चाहते हैं। ये भी बताया गया कि नियुक्ति के लिए किसानों द्वारा रेल महाप्रबंधक, रेल प्रबंधक जबलपुर एवं अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसमें मजबूरी बस 15 जनवरी से किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से बांसा मड़वा स्थित रेलवे के निर्माणाधीन कार्य रोककर शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी सूचना शासन प्रशासन की ओर अग्रसित है। किसानों के द्वारा मांग की गई माननीय प्रधानमंत्री जी से कि 11 नवंबर 2019 के आदेश के पहले भूमि अधिग्रहित की गई है, अति शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। हम किसानों की बात ना सुने जाने पर हम किसान 10 दिन बाद मजबूर होकर धरना स्थल से पैदल चलकर दिल्ली रेल मंत्रालय तक जाएंगे, नहीं तो किसानों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों के साथ किसी भी घटना दुर्घटना के लिए शासन प्रशासन जवाबदार होगा। ये भी बताया गया कि नौकरी नहीं तो जमीन नहीं, ये जो ज्ञापन सौंपा गया है रीवा सीधी सिंगरौली सतना पन्ना किसान यूनियन, इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि अब इस रेल लाइन परियोजना का काम बहुत तेज गति से किया जाना है। अगर किसानों को अब नौकरी नहीं मिली तो फिर नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये रेल लाइन परियोजना फास्टैग परियोजना में शामिल हो चुकी है। अब जून तक जितने भी भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है इसको पूरी कर ली जाएगी। जुलाई से नॉन स्टॉप यानी कि बैक टू बैक बहुत तेज गति से काम किया जाना है ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का। हम भी भारतीय रेलवे से आग्रह करेंगे कि किसानों के पक्ष में फैसला होना चाहिए। जो किसान है उनकी ज़मीन गई है, ज़मीन के बदले नौकरी किसानों को दे देनी चाहिए। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। अगली वीडियो में बाय बाय।